वेलकम टू जीवी मैथमेटिक्स क्लास फ्रेंड। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कितना है फ्रेंड? थ्री। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कितना है? थ्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम और मिनिमम का पार्ट कितना है फ्रेंड? थ्री। ठीक ना, मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट कितना है? तीन। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम इसमें डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग देख सकें। ठीक है, चलिए आप पहला आज का पहला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए कितना, थ्री साइन थीटा प्लस साइन कितना, साठ प्लस थीटा है इतना। अब देखिए तो इसको अगर हम हल करें तो थ्री साइन थीटा प्लस में ए साइन ए प्लस बी के आप लोग फॉर्मूला जानते ही होंगे। साइन कितना, साइन साठ प्लस कितना, कॉस थीटा प्लस कितना, कॉस साठ डिग्री। ठीक ना, ये इंटू है फ्रेंड, इंटू इंटू कितना, साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखिए थ्री थ्री साइन थीटा प्लस कितना, साठ कितना होता है, ये कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको कितना, वन बाई टू साइन। ठीक है ना, ये जोड़िएगा कितना आएगा, थ्री बाई टू साइन थीटा प्लस इसको ये कितना होगा, थ्री बाई रूट थ्री बाई टू कॉस थीटा। अब ये भी ऐसा रहता, हम अभी बताए हैं पिछला वीडियो में कि इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट में ए के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है, ए के स्क्वायर तो तीन का स्क्वायर नौ, फोर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बी के स्क्वायर तो ई कितना, तीन, ई कितना आ जाएगा, फोर। ठीक है ना फ्रेंड, फोर आ जाएगा। तो इसको चार एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर कितना आएगा, देखिए ऊपर कितना आएगा फ्रेंड, ई एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर कितना आएगा, या नीचे फोर एलसीएम लीजिएगा ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना, बारह। ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, यहाँ कितना होगा, सेवन बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, उनचास। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, बावन, बावन बाई फोर, यहाँ तक समझ गए। तो बावन के आप लिख सकते हैं कितना, तेरह चौका बावन, तो चार का वर्गमूल कितना आता है, टू, तो टू रूट में कितना, तेरह बट्टा कितना, ई जब ई चार निकलेगा तो कितना आएगा, टू, टू से टू किया होगा फ्रेंड खत्म। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, तेरह। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, तेरह। अब मिनिमम कहा होता है फ्रेंड, बस इसी का ई इतना ही होता है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, हो गया मिनिमम, यानी मैक्सिमम कितना हो गया, रूट में प्लस तेरह, और मिनिमम कितना हो गया, माइनस रूट तेरह। ठीक है ना, कैसे निकाले आप लोग देख ही लिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए अगर आपको दे दे फ्रेंड, ये दे दिया कितना, बारह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये सोलह के सोलह कॉस स्क्वायर माइनस इतना। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करना है फ्रेंड, यहां देखिए अगर ऐसा दे दे तो इसको आप लिख सकते हैं ना, टू ए छे दूनी बारह होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, यहां इसलिए किए ना फ्रेंड, क्योंकि हमको यहां से नजर आ रहा ना कि साइन इंटू कॉस, अगर हम यहां पे टू रख देते हैं तो साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, जब यहां पर साइन टू थीटा है ना, तो हम कोशिश करेंगे इधर भी कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा, तब ना टू टू हो जाएगा। अब देखिए इधर, हम इधर से अगर हम आठ कॉमा लेते हैं तो यहां से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से कितना, सिक्स, यहां इसका कितना होता है फॉर्मूला, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। ठीक है ना, प्लस में एट, इसका टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, वन, इसको कितना होता है, कॉस टू थीटा। ठीक है ना, यहां पर भी कॉस टू थीटा, यहां पर भी कॉस थीटा, एंगल एंगल क्या है, समान है, कोण के मान कितना है, समान है, यहां पे आठ, यहां पे आठ, ये कॉस साइन, यहां इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रूट हम निकालने के लिए बताए हैं इसका कितना, छ के छत्तीस, आठ के कितना, चौसठ, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, रूट में कितना, सौ, इसको निकालिए कितना, दस, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, दस, तो मिनिमम वैल्यू में माइनस लग जाता है, इसी में माइनस लगा तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम दस, मिनिमम माइनस दस। ठीक है ना दोस्त, चलिए आगे कर पाते हैं। अब देखिए ये एग्जाम में ऐसा पूछेगा ना दोस्त, ये आपको तो ये आपको एट दे दिया तो ये आपको आसान लग रहा, ठीक ना, ये बहुत जल्दी हम लोग हल किए, अगर एट नहीं देगा ना यहाँ पे फ्रेंड,
जैसे हमको एट यहाँ पर एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है ना, तो ये हमको मन से सोचना पड़ेगा ना, ये जैसे एट नहीं दिया, ठीक है ना, तो यहाँ हमको मन से सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या हम किए हैं, ठीक है ना, क्या हम कर रहा करना पड़ेगा हमको इसमें, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ से घर से आते हैं कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर हम देखते हैं तो साइन टू थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर साइन टू थीटा हमको इधर आ गया तो अगर हम इधर भी कॉस टू थीटा बना देंगे ना तो हमको जो हमको पैटर्न चाहिए ना उस पर आ जाएगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां से हम क्या करते हैं, सिक्स, यहां से अगर हम टू ले लें तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, जस्ट लाइक ऐसे ही करना है ई पट्टी, ठीक है, इसको, ठीक है, ई ही पट्टी। तो अगर इसको में हम एट घटा दे और एट जोड़ दे तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं ना। अब देखिए तो यहां से हम क्या करते हैं ना, एट कॉमा लेते हैं तो टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस कितना एट, प्लस में कितना एट है, तो एट रहने दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां से सिक्स कितना आ गया, साइन टू थीटा प्लस में कितना एट, इसको हम अभी बताए ऊपर, कॉस कितना, कॉस टू थीटा, ठीक है ना, यहां से इसको इतना तक प्लस कितना एट, तो इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था 10, इसको मैं जोड़ देंगे कितना आ गया 18, मिनिमम कितना आया था -10, इसको मैं 8 जोड़ देंगे मिनिमम कितना आ गया -2, तो ये मैक्सिमम है, ये क्या है मिनिमम है, ठीक है ना दोस्त, यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां तक समझ गए ना दोस्त, अब देखिए जब यहां तक समझ गए हैं दोस्त एक और देख लीजिए, हम आपको ए मैक्सिमम मैक्सिमम जब अलजेब्रा में मैक्सिमम पढ़ाए थे तो इस बात को हम बताए थे क्या, यहां देखिए ए एम ये बड़ा होता है क्या जी एम से, जी अर्थमेटिक में और क्या ज्योमेट्रिक में, ठीक है ना। यहां अब हम समझते हैं, जैसे देखिए आपको दे दे ए के स्क्वायर कॉमा 1/ ए के स्क्वायर, ई बी दे दे, ठीक है ना, यहां पर बी दे दे, ई बी है ए के स्क्वायर फिर बी 1/x के स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, इसको लिखते थे ए के स्क्वायर प्लस बी फिर बटा में एक्स के स्क्वायर बाय 2, फिर जस्ट लाइक ई पट्टी क्या करते थे रूट में ए के स्क्वायर गुना में बी फिर एक्स के स्क्वायर, इसे ही क्या होगा खत्म, ठीक है ना फ्रेंड। तो एक्स के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर, ये ई पट्टी कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इसमें बच गया कितना है ए इंटू बी, ठीक है ना दोस्त, इतना समझ गए, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ए के स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना है इस कितना है फ्रेंड ए के ए इंटू एक्स के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर बाय 2, इतना आ गया ना, ये इतना आ गया, यानी इसका किया ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना, इतना का मिनिमम वैल्यू कितना गया, इतना का मिनिमम वैल्यू ये, ठीक है ना, इतना किया मिनिमम वैल्यू, यहां तक आप समझ गए हो फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं फिर इतना का मिनिमम वैल्यू कितना समझ नहीं, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां देखिए अब देखिए तो हम अभी बताएं अगर इसको x माने, ठीक है ना फ्रेंड, इसको x माने, इसको इसको x माने तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक कॉट बराबर ही कॉट है, तो कॉट बराबर क्या होता है 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखिए इसको x मानते हैं x स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर b तो ये 1/x स्क्वायर होगा, कॉट के 10 होता है तो 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अभी इसको हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बताए ना क्या, इसको मैक्सिमम और मिनिमम, इसको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ना इन्फिनाइट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना, इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इन्फिनाइट, ठीक है ना, प्लस इन्फिनाइट, इसको मैक्सिमम कितना प्लस इन्फिनाइट, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अभी हम बताए ऊपर कि इतना अगर रहे ये इसको जगह मान लीजिए है, इसको अगर बी है तो इतना बराबर अभी बताए हैं मिनिमम वैल्यू निकाली की है 2 × a − b, तो ए का जगह कितना है 9, बी का जगह कितना है 16, तो 2 इसको निकालिए कितना होगा 3, इसको निकालिए कितना होगा 4, ठीक है ना, चलती है 12 कितना आ गया 24, ठीक है फ्रेंड, ये आपका कितना आ गया आंसर 24, ठीक है दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे देखिए इसको देख लीजिए, तो इसको मैक्सिमम तो जान रहेगा इन्फिनिटी होगा, मिनिमम अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, इसको देखिए 2 ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए, जैसे हम ई पट्टी बताए थे ना ये, ठीक है ना, इस फॉर्मूला ही समझ लीजिए इसको, ठीक है यहाँ पे ये, ठीक है, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 16, एक कितना है 16,
पी कितना है 4, तो 2 इंटू 16 का पूर्णमूल कितना होता है 4, 4 के 2, 4 दुनिया 8 कितना आ गया फ्रेंड 16 आ गया। यहां तक समझ गए कितना आ गया फ्रेंड 16, यहां तक आपको कोई दिक्कत फ्रेंड नहीं ना। चलिए जब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए, तो आपको जब देख लीजिए इसको पहले देख लीजिए क्या, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं फ्रेंड cos से cos का थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको आप लिख सकते हैं हाँ इंटू में 1 प्लस कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस cos इंटू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए 16 और जोड़िए कितना 25 आ गया, तो ये 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस कितना 9 और 16 कितना 25, ठीक है ना फ्रेंड। तो इतना क्या हम जानते हैं निकालने के लिए, इसको मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो इन्फिनिट होगा इतना तो जानते हैं ना, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू 9 गुने कितना 16, ठीक है ना, तो 2 9 के कितना 3, 4 के कितना इतना, तो 6 12 12 कितना 24, 24 आप 25 जोड़ देंगे कितना हो गया 49, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे अब एक रिजल्ट है फ्रेंड, ये रिजल्ट हम लोग बना लिया, ठीक है, जैसे कितना अगर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा रहे ना, तो इसको मिनिमम वैल्यू कितना होगा फ्रेंड 2 इंटू रूट में ए प्लस बी, अगर ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रहे ना, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा रूट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी, ये आपका हम लोग रिजल्ट बना लिया, ठीक है ना। अगर हमको ये रिजल्ट पता रहता तो हम लोग इसको इतना करने से कोई जरूरत नहीं था, ठीक है ना फ्रेंड, अगर हमको इतना पता रहता तो हमको इतना करने से कोई जरूरत नहीं था, हम लोग इतना नहीं करते, ठीक है ना दोस्त, इतना हम लोग नहीं करते, ठीक है दोस्त। चलिए तब आज तक इतना ही रहते हैं, जैसे फिर इसी में देख लीजिए फ्रेंड, जैसे देखिए अगर आपको क्या आपको दे दे कितना साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए कितना दे दे 9 दे दे, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर कितना 4 दे दे, ठीक ना, नहीं ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए 4 दे दे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। देखिए इस साइन इसका उल्टा तो है कॉसेक, तो ये भी तो फॉर्मेट में आ जाएगा ना, ये भी क्या आ जाएगा फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू भी क्या ये दोनों को जोड़ देंगे कितना है रूट में 2, ठीक है ना, 2 गुना कितना 9, तो 2 प्लस कितना 2 गुना कितना 3 यानी कितना 12, ठीक है, तो क्या ये 12 आंसर सही है इसका, हाँ सीजीएल में जो सीजीएल जो आंसर देता है ना फ्रेंड, इसको सीजीएल के हिसाब से 12 राइट है, ठीक है ना फ्रेंड, सीजीएल के हिसाब से क्या 12 राइट देता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो है ना फ्रेंड, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ना, इसका एक्चुअल आंसर 13 आएगा, ठीक है ना, इसको एक्चुअल आंसर 13 आएगा, और कैसे आएगा 13 ना वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह 13 से 14 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है ना फ्रेंड, ज्यादा लंबा बनाने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना दोस्त, तो कैसे आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कैसे आएगा, तब तक इतना समझ लिए हैं आप तक, ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले फ्रेंड कि कहाँ हमको गलती हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, कम से कम ये आप बताएं, ठीक है ना, तब तक हमको जब यही बता दीजिएगा तो आगे हमको वीडियो बनाने का साहस बढ़ेगा और हिम्मत बढ़ेगा, ताकि और आपको बेहतर वीडियो बना के दे सकें, ठीक है ना दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।